उत्तराखंड के हल्द्वानी में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से आमखड़ी नाले की दीवार ढह गई। इसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों में मलबा भर गया। तेज बारिश और नाले की दीवार ढहने से इलाके में पानी भर गया। कई वाहनों को नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी और मलबा भर गया है। अधिकारियों के मुताबिक साफ सफाई और नाले की दीवार को फिर से बनाने का काम चल रहा है। इलाके के 86 प्रभावित परिवारों को प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद दी गई है। कल रात लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही चेक वितरित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते हल्द्वानी में आंधी और तूफान का अनुमान लगाया है।